अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, मैं हूँ हारून इकराम और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद हारून इकराम, हमारी न्यू वीडियो सीरीज। तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं हो सकता, तुमसे पहले लोगों से नहीं हुआ तो तुम क्या कर सकते हो। हमारे कानों ने बहुत दफ़ा ये बातें सुनी है कि हमसे नहीं हो सकता, और कहीं ना कहीं नेगेटिविटी हमारे अंदर भर चुकी है। इन्हीं नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी पे कन्वर्ट करने के लिए हमारे मेहमान जो है आज लेफ्टिनेंट कर्नल फारुख सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो माइंड साइंसिस है और जो बड़े ज़बरदस्त माइंड के साइंटिस्ट है और इंस्पायरेशनल स्पीकर है। ये लोगों की ज़िंदगी को तब्दील भी करते हैं, वैल्यू ऐड भी करते हैं और उनको रीशेप भी करते हैं। हम वेलकम करते हैं सर को अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया। सर, तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते, ये क्या बात है कि हमारे माशरे में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा, पॉजिटिविटी कम है, इसकी क्या वजह? सर, अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, अपने बचपन में हम लोग चले जाएं, हमारे वालदैन ने हमें कहा दरवाजा मत खोलो, पेपर में पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे, पागल मत बनो, तुम्हारी वजह से बेड़ा गर्क हुआ, तुमने ये चीज तोड़ दी। ये लफ्ज सुन सुन के हमारे दिमाग में वो उसके इमेजेस बन गए। सर, आप एक मिनट के लिए आंखें बंद करें अपनी, अब आप अपनी पिक्चर देखें, अपनी वालदा की आपको नजर आ रही है? हाँ जी। आप अभी आसमान की, जन्नत की भी पिक्चर देख सकते हैं सर, आपको नहरें नजर आ रही होंगी, कोई ग्रीनरी नजर आ रही होगी। जी सर। अगर अब आप पिक्चर देखें नहीं की, क्यों की, क्या की, क्या आपको पिक्चर नजर आ रही है? नहीं सर। क्या पिक्चर नजर आ रही है आपको? या तो ये लफ्ज लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, क्वेश्चन मार्क, या क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा होगा। सर, हमारा दिमाग ये प्रोसेस ही नहीं कर सकता। जब हमारा दिमाग प्रोसेस नहीं कर सकता तो काम कैसे करेगा? मिसाल के तौर पे घरों में क्या होता है, इधर एक ग्लास पड़ा हुआ है। अच्छा। तो हमारी वालदा कहती है तुमने अभी तक ग्लास नहीं उठाया, तुम्हें मैंने कितनी दफा कहा है, तुम्हें मैंने कल भी कहा था, तुम्हें परसों भी कहा था, तुम कोई काम नहीं करते। अब आप जरा गौर करें, पूरी की पूरी जो तकरीर हो रही है वो उस ग्लास के इर्द गिर्द हो रही है, ग्लास उठाने का ऑर्डर ही नहीं दिया जा रहा। तो जब ग्लास उठाने का ऑर्डर दिया जाएगा तो तब ग्लास उठाया जाएगा, क्योंकि माइंड तो प्रोसेस करता है कि ग्लास उठा के वहां पर रखो। ऐसे एक बच्चा 9 साल की उम्र तक कम से कम सर 5 लाख दफा नो, क्यों, मत, कैसे, इस तरह की बातें सुन चुका होता है। हमारा दिमाग कीमा मशीन की तरह है। हमारे दिमाग में आप जो चीज ऊपर से डालेंगे, अच्छी चीज या गंदी चीज, तो हमारा ख्याल है वही चीज निकलेगी। लेकिन ऐसा है नहीं सर। जब आप अंदर से ऊपर से गंदी चीज डालते हैं ना सर, तो परली तरह से गंदी चीज निकलती है। हमने गालियां सुनी, नहीं सुना, क्यों सुना, तो मेरे भी क्वेश्चनिंग के अंदाज में हम रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं। टोकना बहुत ज्यादा कॉमन हो गया प्रॉब्लम। ऐसे ही है। लेकिन अगर आप दिमाग के अंदर सर ऊपर से अच्छी चीज डालेंगे तो बाहर अच्छी चीज नहीं निकलेगी, पहले गंदी चीज निकलेगी। ठीक है सर। अब जब हमने ये काम शुरू करना है किसी के साथ काम करने के लिए कि तुम कर सकते हो या तुम नहीं कर सकते, तो सबसे पहले तो उसको यकीन दिलवाना है कि तुम कर सकते हो। यकीन। आपने कभी गौर किया YOU? ये इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है सर, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हाई है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है। YOU जो हम कहते हैं आप। अब मैं पूरी क्लास अगर बैठी है और उसको मैं लफ्ज बोलूं यू, तो हर बंदा अपने अपने ऊपर उसको इंप्लीमेंट करता है। ऐसे ही है। ठीक है सर। अगर मैं कहूं कि आप ये काम कर सकते हो, तो उसको पहला ख्याल आया कि मुझे यकीन है कि मैं कर सकता हूं, या यकीन आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर मैं उसको कहूं कि पूरी क्लास को कि यू पीपल कैन नॉट डू इट, आप नहीं कर सकते, तो उसने अपने दिमाग के अंदर वही फिक्स कर लिया कि मैं नहीं कर सकता। हम अक्सर कोई गोल सेट करते हैं सर, सही, कि जी मैं 2 साल के बाद जो है मैं एक बिजनेस शुरू करने वाला हूं, उस बिजनेस को हम जेन में बैठा लेते हैं, उसी के हिसाब से काम शुरू करते हैं। असल में गोल जो है ना, गोल जब आप जेन में बैठा लेते हैं तो वही हमारी सोच को उस तरफ लेके जाता है, सोच से हमारे एक्शन होते हैं, एक्शन से रिजल्ट निकलते हैं। अगर मेरा गोल है मिसाल के तौर पर कि मुझे डॉक्टर बनना है,
तो मेरी सोच उसी तरफ चलना शुरू हो जाएगी जितना स्ट्रॉन्ग गोल मेरे दिमाग में डॉक्टर की पिक्चर का होगा, उतनी जल्दी मेरी सोच उस तरफ चलना शुरू होगी। मैं कहूंगा मैंने पढ़ना है, मैं नंबर लेने हैं, मैंने इस जगह पे दाखिला लेना है। जब तक हम गोल डिसाइड नहीं करते हमारी सोच बेकार होती है। वो सोच नहीं होती सर, वो ख्यालात होते हैं। इट इज अ मेंटल एक्टिविटी। कायनात में या इस दुनिया में सर 95% लोग जो है ना सर सोचे समझे बगैर ही मर जाते हैं। सोचे समझे बगैर ही मर जाते हैं। वो सिर्फ ये ख्यालात आते हैं और उसको झटक देते हैं, पता ही नहीं चलता उनको क्या कर रहे हैं। वो रिएक्टिव मोड में है, वो प्रोएक्टिव मोड में नहीं है। वो जो आपने मुझे कह दिया मैंने वो कर लिया, आपने मुझे नहीं कहा मैं आराम से बैठा रहा, मैं बड़ी खुशी से घर आ गया, शुक्र है आज कोई काम नहीं करना पड़ा। अच्छा सर, अब आपकी इसी बात से मेरा अगला सवाल है कि जो अक्सर लोगों का दिल नहीं करता काम करने को जी, इसकी क्या वजूहत और किस तरह से हम उनको काम करवा सकते हैं? क्योंकि आप माशाल्लाह ट्रेनर भी है, आप लोगों को गाइड भी करते हैं और बड़ी अच्छी ट्रेनिंग आपकी होती है जिसमें आप आपके जो फीडबैक आता है वो नॉर्मल तौर पे ये आता है कि भाई कमाल हो गया, अब वो काम जो हम पहले नहीं कर रहे थे अब हम कर रहे हैं। तो सर किस तरह से हम लोगों को काम करवा सकते हैं? सर जितनी भी ट्रेनिंग आप करेंगे, मोटिवेशन ट्रेनिंग करवा लें, इंस्पिरेशन करवा लें, माइंड साइंस की करवा लें, अल्टीमेटली बात मेरे पे आएगी, आप पे आएगी जिसने काम करना है। और जो चीज हम हासिल करना चाहते हैं वो मेरे दिमाग और दिल में पहले से मौजूद है। इसका मतलब है मुझे अपने दिमाग को एक्टिवेट करना है। सही। अगर मैं दिमाग को एक्टिवेट करूंगा तो काम चलना शुरू होगा, वरना फिर वो सिर्फ ख्यालात ही होंगे। सर हमारी जितनी भी एनर्जी है काम करने की वो हमारी इस जगह पर, ये दोनों आंखों के दरमियान में इस जगह पे जहां पे मैंने इस वक्त उंगली रखी, ये इसको हम थर्ड आई कहते हैं। अच्छा। और इसको मेडिकल की जुबान में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। अच्छा। इसके अंदर हमारी डेली रूटीन एक्टिविटी, हमारा लव रिलेशनशिप, इसके अलावा हमारी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन जिसको इल्हाम कहते हैं। अच्छा। हमारी जो लर्निंग कैपेबिलिटी स्टार्ट होती है, हमारा फेथ यहां पर मौजूद है। अच्छा, इस जगह पर। सही। अब साइंस ने जितनी भी पूरी दुनिया में सर तरक्की हो रही है, माइंड को खोलने की तरक्की हो रही है, ना कि टेक्नोलॉजी को खोलने की तरक्की हो रही है। दुनिया में माइंड साइंस की ट्रेनिंग को बहुत ज्यादा देखा जा रहा है कि जितनी जल्दी किसी इंसान के माइंड के अंदर जो हिडन पोटेंशियल है उसको खोला जाएगा उतनी जल्दी काम करना शुरू होगा। अब जो मैंने आपको बताया कि डेली रूटीन एक्टिविटी यहां पर मौजूद है और यहां से जब स्टार्ट होती है एक्टिविटी तो हमारे ब्रेन का ये जो पीछे वाला हिस्सा है सर, इसमें कुछ पार्ट्स हैं जो कि रोल की शक्ल में है, गुच्छे की शक्ल में, उसको बेजल गैंगलिया कहते हैं। बेजल गैंगलिया। इस सारे पार्ट में जो बैक पे है इसके अंदर सर मेन रूटीन एक्टिविटी जो बड़े लेवल पे मेजर एक्टिविटी होती है, यहां से स्टार्ट होती है, यहां पे खत्म होती है और पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को सर वो मैसेजेस जाते हैं। होता क्या है, जब हम कोई चीज सोचते हैं तो हम उसके ऊपर जोर नहीं लगाते और वो एक्टिविटी यहां की यहीं रह जाती है। तो इलेक्ट्रिक इंपल्स जो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली ब्रेन के अंदर चलता है, हमारी नर्व्स के अंदर, अगर हम किसी तरीके से इसको इस जगह तक प्रोसीजरल तरीके से सेट कर दें तो काम ठीक हो जाए। माशाल्लाह सर के पास बहुत नॉलेज है, बहुत इल्म है। सर आप किस तरह की ट्रेनिंग करवाते हो, आपकी ट्रेनिंग में और बाकी की ट्रेनिंग में क्या फर्क है? मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि मोटिवेशन जो है उस वक्त काम करती है अगर आपको स्किल आती है तो, वरना मोटिवेशन सिर्फ फूक भर सकती है आपके अंदर, हवा भर सकती है और आपको टेक्निक नहीं आती तो आप काम नहीं कर सकते। तो आप टेक्निक प्रोवाइड, मैं टेक्निक स्किल सिखाता हूं, आपका ब्रेन किस तरह काम करेगा, उसके अंदर जो रेजिस्टेंस है जो आपको रुक रही है उसको कैसे खत्म करेंगे वो बताएंगे और इंसान खुद ब खुद काम करना शुरू हो जाएगा। हम पहले सर थोड़ा सा एनर्जाइज करते हैं मोटिवेशन से, उस मोटिवेशन को इंस्पिरेशन में चेंज करते हैं, अपनी स्पिरिट की आवाज जो अंदर की आवाज होती है सर उसमें चेंज करते हैं। अगर आपका प्रोफेशन आपका पैशन है तो कमाल हो गया, वही आपकी स्पिरिट की आवाज है। लेकिन अगर आपकी स्पिरिट की आवाज वो नहीं है तो आप काम कुछ और कर रहे हैं, ज़हन कहीं और है, जिस्म कहीं और है, सेटिस्फाइड भी नहीं है और सारी जिंदगी गालियां भी निकालेंगे, नौकरी फिर भी करते रहेंगे और बीमार भी हो जाएंगे सर। उसके बाद सर फिर ट्रेनिंग का एस्पेक्ट आता है, कोई भी काम को अपनी माइंड एंड बॉडी का हिस्सा कैसे बनाना है। जब भी कोई काम आपकी माइंड एंड बॉडी का हिस्सा बन गया फिर आपके रास्ते
खुल गए, फिर आप जंगल में जाएं, पहाड़ पे जाएं, बर्फ पे जाएं, दरिया पार करें, आसमानों पे जाएं, वसतें खोलें, गहराई में जाएं, कुछ भी कर सकते हैं आप। हर काम को कहेंगे ये भी मैं कर सकता हूं, हर काम को कहेंगे, बिकॉज योर माइंड फैकल्टी हैज बीन ओपन्ड। और यही हम करते हैं। इससे अगला स्टेप भी है सर, हम ब्रेन की फ्रिक्वेंसीज को सर लोअर डाउन करके सबकॉन्शियस स्टेट में लेके जाके इंसान को प्रोग्राम बना बनाया माइंड के अंदर फीड कर देते हैं, जिससे ऑटोमेटिकली हैबिट्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। ये कुछ साल नहीं लगते सर, इसमें महीनों नहीं लगते, इसमें दिन भी नहीं लगते सर, इसमें चंद घंटे लगते हैं। जबरदस्त सर, ये टेक्निक्स भी हैं। इसमें ब्रेन फ्रिक्वेंसीज को उस फ्रिक्वेंसी पे लेके आना है जिसमें वो रिसेप्टिव मोड में आ जाए, वो भी हम ले आते हैं, और इट इज वेरी इफेक्टिव। It changes habits immediately. Behavior pattern, behavior loops बहुत ज्यादा बेहतरीन हो सकते हैं। यही हमारा टारगेट है। एजुकेशन का अगर मतलब देखें तो बिहेवियर चेंज है सर। और किसी सब्जेक्ट को अभी तक मैंने बिहेवियर की शक्ल में किसी यूनिवर्सिटी में नहीं देखा सर, किसी कॉलेज में कम अज कम मैंने नहीं देखा। तो ये भी कोशिश है कि हम बिहेवियर को एज ए सब्जेक्ट पढ़ाएं यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, और मैट्रिक लेवल पे थिंकिंग को पढ़ाएं। सोच क्या होती है, जैसे ही इंसान का मूड ठीक होता है उसका गुस्सा ठीक होता है, वो अच्छा बिहेव करना शुरू होता है, रिलेशनशिप इंप्रूव होते हैं, सेहत ठीक रहती है, रास्ते बनने शुरू होते हैं सर। अच्छा सर, आप पढ़ाते हैं ठीक है, फ्रस्ट्रेशन से कैसे निकलता है, एंजाइटी की संगत है, तो जब आप खुद परेशान होते हैं तो कैसे निकलते हैं इसमें से, या कोई परेशान हो तो आप उन्हें क्या बताएंगे कि किस तरह से कोई बंदा अपनी परेशानी से निकल सकता है? बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आमतौर पे लोगों का ये ख्याल होता है कि क्योंकि लोगों को इस सिचुएशन में रोजाना गुजरते हैं तो इन लोगों को टेंशन नहीं होती होगी, तो ये सवाल तो मेरा ख्याल ठीक नहीं है। हर इंसान इंसान है, बीमार भी होता है ऐसे, और फिर रोजाना हम लोगों की नेगेटिविटी सुनते हैं, मैं ट्रीट भी करता हूँ। सबसे पहले मुझे इस बात को रिजेक्ट करना है कि ये बीमारी मुझे नहीं होगी, मुझे नहीं होगी। सबसे पहले मुझे इस बात को रिजेक्ट करना है कि ये बीमारी, कि मैं इस बात को रिजेक्ट करता हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे एक मौका दिया है कि मुझे उस वक्त तक कोई बीमारी नहीं होगी जब अल्लाह ताला नहीं चाहेगी, तो मैं क्यों चाहूंगा फिर। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मैं इस बात को रिजेक्ट करता हूँ कि ये बीमारी मुझे हो। नंबर टू, अगर कोई ऐसी चीज देखते हैं जो आपको टेंस करती है, मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि जी पैसों का नुकसान हो गया, चोरी हो गई, या फैमिली में कोई बीमार हो गया, तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हल नहीं निकल रहा, तो ये बात तो ख्याल रखने की है कि सबसे पहले काम आपकी इमेजिनेशन में होता है। हर काम दुनिया में दो दफा होता है, पहले आपकी सोच में होता है, उसके बाद ऑन ग्राउंड होता है। सही। तो अगर मैं सोच में उस चीज को हल कर लूं तो मेरी बॉडी नॉर्मल रिलैक्स होना शुरू हो जाएगी। उसका तरीका ये होगा सर कि जो भी सिचुएशन हुई, जिस इवेंट को मैंने देखा, या आप जिस इवेंट को देखते हैं जो आपको परेशान करता है, जिसको देख के, उसको अपनी आंखों के सामने बार बार लेके आए, आंखें बंद कर लें और बार बार उसके करीब जाएं, फिर पीछे हो, फिर बार बार करीब जाएं, फिर पीछे हो, फिर बार बार करीब जाएं। तकरीबन जब आप 25 से 30 दफा ये चीज प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेगी। जब बॉडी एक्सेप्ट कर लेगी तो माइंड, बॉडी, स्पिरिट एक रिलेशनशिप में आ जाएंगे, आप कंफर्टेबल फील करना शुरू। आप ऐसा करते हो, जब भी मैं किसी बात पे फ्रस्ट्रेट होता हूँ तो मैं अपने आप को सिचुएशन में ले जाता हूँ और उस चीज को बार बार देखता हूँ आंखें बंद करके। जब बार बार देखता हूँ तो थोड़ी देर बाद मुझे अंदाजा होता है कि ये कंफर्टेबल हो गया, क्योंकि मेरी बॉडी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। बाहर की दुनिया को आप चेंज नहीं कर सकते सर, सर्दी का इलाज नहीं कर सकते आप, बारिश का इलाज नहीं कर सकते सर, लोगों के गुस्से का इलाज नहीं कर सकते आप, दवाई आपको ही खाना पड़ेगी, चीज ठीक आपने होना है ना। तो मुझे अपने आप को ठीक करना है, दूसरे को ठीक नहीं करना। जो इंसान अपने सवालों के जवाब दूसरों से मांग रहे हैं या दूसरों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, मियां बीवी को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, बीवी मियां को ठीक करने की कोशिश कर रही है, टीचर स्टूडेंट को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टूडेंट टीचर को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, हर बात में यार ऐसा हो रहा है, उनको अपनी जिंदगी में ये सवाल के जवाब कभी नहीं मिलेंगे। करना है तो मैंने करना है, मुझे करना है, हमने नहीं करना। हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा सर, हर बंदे ने अपनी अपनी जगह पे जोर लगाना है, तब नेशन बनेगी, तब रास्ते निकलेंगे।
बहुत शुक्रिया सर आपका। अगर आप सर से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो होम ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग का नीचे नंबर मैंने दिया है, आप इनके ऑफिस में फोन करके इनके साथ लाइव कोचिंग के सेशंस और जो है इनकी ट्रेनिंग भी आप ले सकते हैं। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल फर्रुख सईद, रिटायर्ड माइंड साइंस ट्रेनर और बिहेवियर कोच। हारून इकराम का चैनल यूट्यूब पे जो है आप उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी चीज़ें देखने को, सुनने को और सीखने को मिलेंगी। और अपनी ज़िंदगी को बदल डालिए सिर्फ और सिर्फ हारून इकराम के साथ।